नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन बीस। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की कुछ काम की बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने जा रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उसी के साथ में यहाँ पर कुछ और भी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, तो इन सारी खबरों को जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बीस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। उसी के साथ में बेल के आइकन को दबाना ना भूले। चलिए तो बात करें आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में। तो यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक होगी संपत्ति, योगी सरकार लागू करने जा रही है नया नियम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सभी शहरी प्रॉपर्टी अब ओनर के आधार कार्ड से लिंक की जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार अर्बन प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड यानी कि UPOR स्कीम लागू करने की तैयारी कर रही है। भाई दोस्तों, आपको बता दें कि ये स्कीम कर्नाटक में पहले से लागू है। इस योजना के लागू होने के बाद राज्य में बेनामी संपत्ति या फिर एक से अधिक संपत्ति की पहचान करना आसान हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर जियो ग्राहकों को 1 जनवरी 2020 से नहीं देना होगा 6 पैसे प्रति मिनट का चार्ज। जी हाँ दोस्तों, दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने दूसरी टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए इंटरनेशनल यूजेस चार्जेस यानी कि IUC के रूप में प्रति मिनट 6 पैसे लेने का फैसला किया है। यह फैसला 10 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा। यानी आज से यदि कोई जियो उपभोक्ता दूसरी कंपनी जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के नंबर पर कॉल करता है तो उसे 6 पैसे प्रति मिनट का चार्ज देना होगा। वही दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में इसके लिए कंपनी को 6 पैसे प्रति मिनट का भुगतान करना पड़ता है। मौजूदा दर में 1 अक्टूबर 2017 से लागू है। इस दर के टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई तय करती है। चलिए तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर मांग बनी रहने से सोने की कीमतों में मामूली सी बढ़त, चांदी में 500 रुपए की गिरावट। जी हाँ दोस्तों, आभूषण निर्माताओं की ओर से मांग बने रहने से दिल्ली के सराफा बाजार में सोना गुरुवार को 10 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 39,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जबकि उद्योग द्वारा ग्राहकी कम रहने से चांदी 500 रुपए लुढ़क कर 47,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। विदेशों में पीली धातु में रही गिरावट का असर स्थानीय बाजार पर नहीं दिखा। लंदन एवं न्यूयॉर्क में मिली जानकारी के अनुसार सोना हाजिर आज $7.80 टूटकर $1,507.75 प्रति औंस पर आ गया। चलिए तो समय हो चुका है आज के हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न को जानने का। तो आज का हमारा प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी करना है।